भैया फोटोग्राफी बहुत टॉप की है, हमने वो देश का प्रधानमंत्री भी गुजराती चूज किया, वो फोटोग्राफर भी गुजराती चूज किया, अभी भी कुछ नाश होगा तो होगा फिर वो तो ऑलरेडी रवि भैया को कॉल भी किया। हमें यहाँ पे रात के 4 बजे बुला के आप सो रहे हो यार। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आप देख सकते हो अभी उठ चुका हूँ मैं ऋषिकेश में, ये देख सकते हो ये हो रहा है मंजर, ये बंदर आए हुए खाना छीन रहे हमारा। बाकी सब ये रहे, चलो चाय पीते, मेरी चाय रह गए, बाकी सब ने पी ली। एक नंबर चाहिए गाइस सुबह सुबह। देखो इतना खाली आपको पहले नहीं मिला होगा, नहीं देखा होगा आपने, आप देख सकते हो। एक्चुअली हम सुबह सुबह डायरेक्ट इधर आ गए 7 बजे। हेलो गाइस, आज ये देखो सुबह सुबह भाई लोग पहुंच गए, फोन भी आ गया। हेलो, तो गाइस देख सकते हो अगर आपको यहाँ पे रेंट में गाड़ी वगैरह चाहिए ना तो इस बंदे को पहचान लो, इससे मिल सकती है। बाकी और भी दुकान लग चुकी है यहाँ पे गाड़ी के लिए, देख सकते हो बाइक वगैरह दोस्तों। तो ये इजी हो चुका है अब ऋषिकेश में, बहुत आराम से मिल जाती है। तो देख सकते हो आप रवि भैया गाड़ी चला रहे हैं उनके बेटे के साथ अर्पित के साथ, और ये भाई वीडियो बनाएंगे उनकी, ये देखो चला कर रहे। गाइस आप देख सकते हो ये रवि भैया आ रहे हैं बाइक लेके। आप देख सकते हो अभी हमारा सामान सेट हो चुका है यहाँ पे, क्लाइंट आने का देरी है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा बेड पड़ा हुआ है, हमने साफ सफाई कर ली है फुल कैमरे की, देख सकते हो पूरा नया नया लग रहा है। क्लाइंट आते हैं फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमारा कपल आ चुका है, चलो उनसे बातचीत करते हैं थोड़ी सी। आप देख सकते हो इस तरफ आ जाओ। हेलो, बोलो भैया क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, आप प्री वेडिंग पे लेट हो गए आज। हम क्यों लेट हो गए? बस सेम हमेशा, हर कौन लेट कौन करवाता है? सो रहा था इसलिए। नहीं नहीं, लेट कौन करवाता है, दुनिया को पता है ये बात, लेट कौन करवाता है? दुनिया को पता है पर इनके केस में उल्टा है, ये सो रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा? आपको पता है लेट कौन करवाता है? ये इसकी गवाही है। कौन सो रहा था? कौन सो रहा, किस तरह से लेट हुए हैं? दोनों। नहीं नहीं, सच बताओ। नहीं दोनों की वजह से। देखो मैं टाइम से उठ गया था, 5:30 पे मैं रेडी हो गया, और मैंने ऑलरेडी रवि भैया को कॉल भी किया। मैं यहाँ पे रात के 4 बजे बुला के आप सो रहे हो यार, ये इंसाफ है भैया? नहीं इंसाफ तो नहीं है, लेकिन देखो आपको ही पता है आपके घर में भी शादी हो चुकी है भैया की, तो भैया को पता है लेट कौन करवाता है? भैया कौन शादी में लेट होते, प्री वेडिंग में कोई नहीं लेट होता। भैया लेट करवाता भैया की हट चुकी है गाइस, आप देख सकते हो। तो गाइस बात ये है कि थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं, अच्छा शूट आएगा इस वजह से के वेदर बहुत ही अच्छा हो चुका है। टेम्परेचर यहाँ का जैसे कि आप देख सकते हो ऋषिकेश में बहुत ही अमेजिंग धूप आ रही है, और थोड़ी ही देर में हम शूट स्टार्ट लेते हैं और फिर आपको बताते हैं गाइस। तो चलो सीधा चलते हैं लोकेशन में और गाइस शूट स्टार्ट लेते हैं। तो चलो गाइस हम आगे जा रहे हैं अब वाटरफॉल वाली लोकेशन पे, सबसे पहले साड़ी का शूट वहाँ पे लेके वाटरफॉल के अंदर, उसके बाद दूसरी लोकेशन पे जाएगी। आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा व्यू बताता हूँ रास्ते में, ये देखो। दोस्तों आपने देखा पूरा व्यू, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि कैसा लगा व्यू आपको। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत जबरदस्त व्यू है यार, ऋषिकेश के ग्वालियर बहुत ऑसम लोकेशन है, आपको घूमने के लिए ऑसम ऑसम प्लेस है गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री शॉट ले रहे, यहाँ पे घुसते भी हमने शूट स्टार्ट कर दिया है फाइनली। यहाँ पे एंट्री ले लेंगे फिर हम वाटरफॉल के पास लेके, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं ये झरने वाली लोकेशन पे। आप देख सकते हो, आपने 2-3 बार पहले भी ब्लॉग में देखी होगी, एक्चुअली ऋषिकेश में ये ऑसम लोकेशन है, आपको शूट करना है शिवपुरी से 2 घंटे आगे आपको आना पड़ेगा, और इस लोकेशन का मजे ले सकते हो आप। आप यहाँ पे चाय भी पी सकते हो, आप यहाँ पे डांस भी कर सकते हो, मजे भी ले सकते हो। कैसा लग रहा है शूट करवा के ये बताओ? देख कर कैसा लग रहा है? अमेजिंग। बस गाइस आप देख सकते हो ये आ चुके हैं हम इस लोकेशन पे। गाइस अगर वीडियो थोड़ी थोड़ी लंबी होती है तो प्लीज देख लिया करो, एक्चुअली लोकेशन होती है ना तो पूरा ही देखना पड़ता है, लोकेशन दिखानी होती है, अपना शूट दिखाना होता है और एक्सप्रेशन भी लेते। कुछ कहकर जाओगे या डायरेक्ट जाओगे?
देख सकते हो जा रहे हैं। और अच्छा भैया व्यू आपने मिले, सर्च किया है तो चूड, मैंने ऐसा व्यू फर्स्ट टाइम देखा है। ओह थैंक यू भैया, काफी बार आया हूँ लेकिन हाँ। मैंने शिवपुरी में आया हूँ तो आपने बहुत अच्छा व्यू क्या। थैंक यू भैया थैंक यू, मैंने इतना टाइम लगा रहे हो स्पेशली। तो गाइस आप देख रहे हो लास्ट टाइम से झरना थोड़ा सा अलग और यहाँ पे व्यू थोड़ा सा अलग आ रहा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है दोस्तों। ऐसे लग रहा है कि जैसे लैंडस्लाइड वगैरह यहाँ पे हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है शायद। आप देख सकते हो कपल जा रहा है, ये व्यू आ रहा है पूरा। और सबसे खुशी की बात है सिर्फ अपनी टीम है, पूरी सिर्फ SLR प्रोडक्शन की टीम है जो यहाँ पे काम कर रही है, अभी तक कोई नहीं आया। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे शॉट बना दिया है, ये ड्रोन वाले भी ले रहे हैं, भाई भी ले रहे हैं, रही भी ले रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉट ले रहे भैया, रही भी है ले रहे वहाँ से, और प्रोसी भाई यहाँ से ले रहे। तो गाइस आप देख सकते हो आज ये हमारे भाई हमें मिले हैं यहाँ पे। अगर आप फोटोग्राफर्स हो तो आपने देखा ही होगा, मैं देखता रहता हूँ, बहुत बढ़िया काम करते हैं भैया। इसके अलावा इनकी रीलें बड़ी अच्छी लगती है। कुछ कहोगे भाई? बस ये हमारे पति भाई बहुत अच्छा काम करते हैं। तो गाइस आपने देखा है। सो गाइस चलो भैया एक चीज कहने वाले, उनसे पूछते हैं भैया बताओ कैसा लगा फोटोग्राफी। भैया फोटोग्राफी बहुत टॉप की है, हमने वो देश का प्रधानमंत्री भी गुजराती चूज किया, वो फोटोग्राफर भी गुजराती चूज किया, अभी भी कुछ नाश होगा तो होगा फिर वो तो। आप देख लो तो ये गुजरातियों के लेके ये सोच बना रखी है भैया ने यार। देखो गुजराती गुजराती देश चला सकता है, उससे पहले तो देश खराब ही हो रहा था वैसे। देख लो देश का क्या विकास हो रहा है। तो गाइस देख लो आज भी हमारे जो भैया है ना, डायलॉग बाजी भी लेकर आए हुए। आज की इस ब्लॉग में आपके मजे आने वाले, इतना बता दूं मैं। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे शॉट कर रहे भैया, ठीक है। प्रसी भाई की बारी आ चुकी है, देख सकते हो प्रसी भाई ने शॉट बनाया है। टीम आ जाओ, दूसरी टीम दोस्तों। अभी देखो सुबह ही 9:30 बज रहे हैं, अभी देख सकते हो आप पूरी टीम यहाँ पे 3-4 आ चुकी है यहाँ पे, ये देखो। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये है गौरव भाई, आतिश भाई को तो आप जानते ही हो, उन्हीं के गुरु है। और गौरव भाई क्या बोलोगे बताओ यार? कुछ नहीं बस सही है सब बढ़िया। आपको देख रहे 4-5 हजार लोग, बताओ क्या कहोगे? बहुत बढ़िया। तो गाइस ये बहुत सीनियर आदमी है हमारे, लगभग जब जिस टाइम पे हम सीख रहे थे इस टाइम पे काम कर रहे थे, और आतिश को सिखाने वाले भैया यही है हमारे। हमें यहाँ पे मिली, बहुत ही खुशी हुई। और ऋषिकेश वगैरह 3-4 लोकेशन ऐसी है ना जहाँ पे हमें हमारे सीनियर मिलते ही रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है उन सबको देख के। आप देख सकते हो बाकी दूसरा शूट स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, कुछ रोमांटिक शॉट कर रहे हैं भैया, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से शूट कर रहे हैं, कोने कोने पे अपने बाल छोड़ कोने कोने पे घुस के कर रहे हैं, कितनी प्री वेडिंग कर दी आप। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला शूट करा रहे क्लिपिंग वाला। तो गाइस प्रोसी भाई के फेस से बाहर आ चुकी है यहाँ पे, 2-3 एक्शन। तो गाइस प्रोसी भाई शूट ले रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ एक बार लग रहा है शूट करवाते हुए। भाई मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, और मैं तो कह रहा हूँ 10 साल बाद फिर से करवाऊंगा, फिर 10 साल बाद करूंगा, फिर 10 साल भैया SL प्रोडक्शन से करवाऊंगा। हमारी ले रहे भैया दबा के यहाँ पे। तो भाई सब देख सकते हैं यहाँ पे शूट ले रहे हाथों का यहाँ पे एक बार। तो दोस्तों वीडियो कट गया था, एक्चुअली ब्लॉग अटक गया था इस वजह से। चलो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। तो इस लोकेशन पे गाइस इतना ही शूट कर पाए, अब हम नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे, उसकी डिफरेंट व्लॉग देंगे। ये व्लॉग बहुत बड़ी हो गई होगी। इस व्लॉग के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय।